नमस्कार, वेलकम टू अवर चैनल स्टॉक मार्केट विजार्ड्स। आज की वीडियो में हम अक्जो नोबेल शेयर का डिटेल्स में एनालिसिस करेंगे, क्योंकि इस स्टॉक का प्राइस में मॉल्टियर का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है आफ्टर ए मॉल्टियर का कंसोलिडेशन। तो डिटेल्स में एनालिसिस करते हैं किस टाइप का स्ट्रक्चर बन रहा है। उससे पहले, अगर अभी तक आप स्टॉक मार्केट विजार्ड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। देखिए, जो कंपनी है 12,157 करोड़ का कंपनी है एंड रिजर्व कैश है 1207 करोड़ के आसपास एंड अभी करंट प्राइस चला है 2670 के आसपास। बुक वैल्यू है 289। प्रोमोटर के पास होल्डिंग है 75%, जो कि अच्छा है। हायर साइड में प्रोमोटर सारे होल्डिंग कर रहे हैं एंड डिविडेंड यील्ड है 2.43% का। डेप इक्विटी है 0.05, मतलब जीरो डेप एक कंपनी है एंड सबसे बेस्ट है उसका चार्ट स्ट्रक्चर में हमको ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो अभी चलते हैं चार्ट के ऊपर, देखते हैं कि चार्ट में किस टाइप का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। देखिए, आपके स्क्रीन के सामने जो चार्ट ओपन हुआ है, ये ओपन हुआ है अक्जो नोबेल इंडिया लिमिटेड का। टाइम फ्रेम सिलेक्ट किया वीकली। देखिए, जब से स्टॉक लिस्ट हुआ है उसके बाद देखिए प्राइस इस मोमेंटम लाइन को रेस्पेक्ट कर रहा है, जो ब्लैक लाइन जा रहा है। प्राइस मल्टीपल टाइम देखिए इस मोमेंटम लाइन को यहाँ पे टेस्ट किया है एंड रेस्पेक्ट किया है एंड अभी देखिए प्राइस के लिए एक मेजर रेजिस्टेंस था इस जोन के ऊपर, जो कि लेवल था 2500 के आसपास। उसी लेवल को प्राइस देखिए यहाँ पे मल्टीपल टाइम टेस्ट किया है। टेस्ट करने के बाद देखिए आज यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देखने को मिला है। देखिए, प्राइस यहाँ पे जो है लगभग 35 से 40 मंथ्स तक यहाँ पे कंसोलिडेशन किया है, मतलब मल्टीयर का कंसोलिडेशन हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है एंड कंसोलिडेशन के बाद प्राइस आज यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। अभी मैं आपको डेली टाइम फ्रेम में दिखाता हूँ जो ब्रेकआउट आया है डेली टाइम फ्रेम में। देखिए, क्लियर कट प्राइस देखिए, जो प्राइस के लिए लाइफ हाई के ऊपर जो मल्टीपल रेजिस्टेंस था ए लेवल, आज यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल के साथ ब्रेकआउट आया है। अगर आप वॉल्यूम को देखेंगे तो देखिए एक्सट्रीमली हाई वॉल्यूम के साथ यहाँ पे हमको ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है एंड जिस टाइप का ब्रेकआउट बन रहा है ना, हाई प्रोबाइल है कि आने वाले टाइम में कॉन्टिन्यूशन मूव आ सकता है। देखिए, अभी स्टॉक का प्राइस चल रहा है 2683। अभी एंट्री करने की जरूरत नहीं, जब इस कैंडल का 50%, मतलब इस स्टॉक का प्राइस जब 2600 इस लेवल के आसपास आ जाएगा तभी कंसीडर कर सकते हैं, जो कि करंट लेवल से 80 से 90 पॉइंट का नीचे। क्योंकि जब भी इतना बड़ा कैंडल बनता है, नॉर्मली जो कैंडल बड़ा कैंडल बन रहा होगा ना, उससे 50% इंट्राडे में पुलबैक आ जाएगा। तो इंट्राडे में जब भी पुलबैक आएगा 80-90 पॉइंट का, तभी कंसीडर कर सकते हैं। अभी के लिए मानिए यहाँ पे कल गैप अप हो जाता है, गैप अप केस में एंट्री करने की जरूरत नहीं है। आपको यहाँ पे पुलबैक का वेट करना है, क्योंकि गैप अप होने के बाद भी ना प्राइस एक बार इस कैंडल का 50% 2600 के आसपास टेस्ट करेगा, उसी केस में कंसीडर कर सकते हैं। एंड एग्जिट पॉइंट कहाँ पे डिसाइड करना है, यहाँ पे देखिए जो स्विंग लो बना है 2400, उसी लेवल के आसपास हम एग्जिट पॉइंट डिसाइड कर सकते हैं। टारगेट क्या रखेंगे, टारगेट के लिए अभी हम यूज करेंगे फिबोनाची एक्सटेंशन का, क्योंकि प्राइस जब लाइफ हाई के ऊपर ट्रेडिंग कर रहा होगा वहाँ पे कुछ भी सप्लाई डिमांड लेवल आपको नहीं मिलेगा, इसलिए हम फिबोनाची एक्सटेंशन को यूज करते हैं टारगेट निकालने के लिए। इसलिए जो अभी रिसेंट हाई था, हाई को 2020 का लो के साथ मैं ज्वाइंट कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो पहला टारगेट देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा 1.618 का टारगेट, 3030 का, ओके। एंड जो सेकंड टारगेट देखने को मिलेगा वो मिलेगा 3850 के आसपास, जो कि फिबो लेवल बन रहा है 2.618 का, 3850। देखिए, थोड़ा टाइम लग सकता है, 6 मंथ से 8 मंथ्स लग सकता है इस टारगेट आने के लिए, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी अभी एक्सटेंड मूव हो गया है, पुलबैक भी आ सकता है, पुलबैक में भी आपको ऐड करना है। लेकिन आपको हमेशा से आपका क्वांटिटी मैनेजमेंट के ऊपर फोकस करना है, क्वांटिटी मैनेजमेंट के साथ आपका रिस्क रिवार्ड को मैनेज करना है, ओके। एंड हमेशा से किसी भी स्टॉक में जब भी आप एंट्री करते हैं, एक बार के लिए एग्जिट पॉइंट डिसाइड कर दीजिएगा, क्योंकि अभी स्मॉल कैप एंड इंडेक्स में 52 वीक लो में ट्रेडिंग नहीं कर रहे, अभी हम चल रहे हैं 52 वीक हाई में, 52 वीक हाई में हम चल रहे हैं। हमेशा से एक बार के लिए एग्जिट पॉइंट डिसाइड कर लीजिएगा, मानिए कभी आने वाले टाइम में ट्रेंड रिवर्सल होता है, जैसे कि उसी केस में आप कुछ आपका पॉइंट को, आपका जो पोजीशन को एग्जिट कर सकते हैं, नहीं तो रिड्यूस कर सकते हैं। इसलिए हमेशा से आपका एग्जिट पॉइंट को डिसाइड कर लीजिए। स्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा है, ब्यूटीफुल। देखिए, प्राइस मल्टीपल टाइम टेस्ट किया है, लाइफ हाई को ब्रेक किया है। अगर सारा सिनेरियो देखेंगे, प्रोबेबिलिटी हाई है कि कंटिन्यूशन मूव आने का, लेकिन हमारा रिस्क रिवॉर्ड भी उसे थोड़ा पुल बैक में मिलेगा, वो बेटर रहेगा। मैं आशा करता हूँ आप डिटेल्स एनालिसिस समझ पाए होंगे। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।